गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामनि गौरात्रेशे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पत्यै नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाल्मीकि गिरिशंभूता राम सागर बामने पुनासी भुवनं पुण्यं रामायणं महानदे चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रवस्तरम् एकैकाक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरोह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम् मनोज्वं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजम् वानरयुद्धमुख्यम् श्रीरामदूतम् सरसे नमामि। रामं रामनुजं सीतां भर्त भर्त अनुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री श्री राधा माधव इस्कान अतापुर के तत्वधान में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के प्रकट्य रामनामी के उपलक्ष में भारतवर्ष में 9 दिन राम लीला हुआ करती थी, इसलिए राम ग्राउंड होते थे और 10वें दिन रामनामी मनाई जाती थी। तो ये परंपरागत
राम कथा का यहाँ आयोजन मंदिर के पदाधिकारी और सहयोगियों ने मिलकर 5 दिवसीय आदि कवि वाल्मीकि रामायण के सत्संग का आयोजन किया है। उसके 3रे दिन में आप सब श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। पहला बाल कांड कल हमने श्रवण किया, रामचंद्र का दिव्य प्रकट्य, धरती से अयोनिज उत्पन्न जानकी के साथ मंगल विवाह संपन्न हुआ। और अयोध्या में भव्य स्वागत हुआ। महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को कहा कि पुत्र वधु माता पिता के परिवार को छोड़कर पति के साथ जब ससुराल में आती हैं तो उनको माता जैसा स्नेह देना, कभी उनको अपने माता पिता के दूरी का विचार भी ना आए। और यहाँ भरत के मामा युधाजित भरत और शत्रुघ्न को के कई देश ले गए। यहाँ हमारा कल बाल कांड पूर्णाहुति पे पहुंचा। आज हम अयोध्या कांड का शुभारंभ करेंगे। अयोध्या कांड करुणा रस से परिपूर्ण भरा हुआ है। राम के पिता के आज्ञा पालन की परिकाष्ठा का दर्शन है। सीता के पतिव्रता धर्म की चरम सीमा का परिचय है। लक्ष्मण के सेवक धर्म का उत्तम उदाहरण है। और भरत के बलिदान और त्याग, इसकी चरम सीमा है ये अयोध्या कांड। अयोध्या कांड का शुभारंभ होता है रामचंद्र सब प्रजा को प्रिय सुशील गुणों में संपन्न, किसी के दोष को याद नहीं रखते, किसी के किए हुए थोड़े भी सेवा को कभी भूलते नहीं। ये वेदों में भगवान के लिए एक शब्द है, निमिष अनिमिष। आंखें बंद करते हैं, आंखें खोलते हैं। जब कोई गलती करता है भगवान आंखें बंद करते हैं कि मैंने देखा ही नहीं। जब कोई थोड़ा भी भगवान की सेवा करता है भगवान देखते हैं कि कभी मैं इसको भूलूंगा नहीं। रामचंद्र इसका अद्भुत उदाहरण थे। दोष याद नहीं रखते थे और किए हुए अच्छाई को कभी भूलते नहीं थे। प्रजा को अपनी संतान के समान समझते थे। किसी को रामचंद्र के सामने आकर अपने दुख कहने में दिक्कत नहीं होती। तो एक दिन महाराज दशरथ ने देखा कि अब इक्ष्वाकु वंश में रघुकुल
दीर्घ बाहु महाराज रघुवंश अज के पुत्र में दशरथ बहुत समय से इस पृथ्वी का राज किया है। ऐसे लिखा है कि महाराज ने अपने कान के पास कुछ सफेद बाल देखे तो उन्होंने कहा कि अब मेरे को राज सिंहासन का उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए। तो कोई आईने में मुख देखा ये इसका अर्थ नहीं है, इसका अर्थ है सामने रामचंद्र के गुणों को देखा तो लगा कि अब ये राजा होने के अधिकारी है, अब मेरे को राज त्यागना चाहिए। तो कानों के बाल सफेद से ज्यादा रामचंद्र की योग्यता उनको आकर्षित किया और उन्होंने अपनी सारी प्रजा को बुलाया, मंत्रिमंडल को बुलाया और सबके सामने प्रस्ताव रखा कि बहुत सालों से, हजारों सालों से हम अयोध्या की सेवा करते आ रहे हैं, पूर्वजों की परंपरा को निभाते आ रहे हैं, अब हम थक गए हैं, अब हम अपने इस राज का भार अपने ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र को सौंपना चाहते हैं, आप सबका क्या मत है? तो सब ने कहा कि हमारे घर में तो रोज पूजा होती है कि हमको कब राजा राम मिलेगा, ऐसा सद्गुण संपन्न हमारे भाग में हमारे जीते जी देखने को मिले कि रामचंद्र राजा हो जाए, ये तो हमारा धन्य भाग होगा। तो महाराज दशरथ अंदर अंदर बहुत प्रसन्न हो गए, परंतु राजनीति के नियम से कहा आप मेरे हाँ में हाँ क्यों मिलाते हो, आपको मेरे राज से कोई कष्ट है कि आप मेरी जगह में राम को राजा देखना चाहते हो? तो प्रजा ने कहा महाराज नहीं, आपके राज में हम बड़े सुखी हैं, परंतु आपका पुत्र बहुत योगी है, सद्गुण संपन्न है, प्रजा के आंखों का तारा है और दिल में सबके प्रेम है प्रजा, प्रजा के कहते हैं राजा प्रजा के हृदय के ऊपर राज करे तो राजा प्यारा, अगर राजा प्रजा के सर के ऊपर राज करे तो सर का दर्द। पुराने जमाने में राजा जब निकलते थे प्रजा पुष्प वर्षा करती थी क्योंकि राजा दिल के ऊपर राज करते थे, अब राजा निकलते हैं लोग गोलियां मारते हैं क्योंकि राजा सर के ऊपर राज करते हैं, बहुत बड़ा अंतर। सो सबके सम्मत से महाराज दशरथ ने कहा ठीक है वशिष्ठ जी, आप देखो मुहूर्त कौन सा है, अभिजीत मुहूर्त नजदीक है और सुमंत्र आप सारे युवराज पद के अभिषेक की तैयारियां कीजिए। और राम जी को दशरथ जी ने बुला के कहा बेटा आप में सब गुण तो अपने स्थान पे हैं, फिर भी पिता के नाते मेरा धर्म है राजा के नाते कि प्रजा आपके सामने आके अपना दुख बताने में अगर संकोच करे तो समझना कि तुम्हारा राज ठीक नहीं है, प्रजा को आपके सामने अपने दुख बताने में रुकावट नहीं होनी चाहिए, प्रजा को पुत्र से भी अधिक स्नेह करना, बेटा अब आप घर जाइए और आज उपवास कीजिए, आपको सीता जी चटाई पे नीचे सोना है और कल आपका राजाभिषेक होगा। महाराज दशरथ देखे तो कुछ स्वप्न ऐसा हुआ, देखा कि लगता है कि मेरे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, कोई ना कोई संकट आने वाला है, वैसे राम के राज अभिषेक के लिए मुझे महाराज जनक को बुलाना चाहिए, महाराज अश्वजीत के कई नरेश को बुलाना चाहिए, भरत और शत्रुघ्न को भी तो बुलाना चाहिए, परंतु मुझे लगता है विघ्न अवश्य पड़ने वाले हैं, इसलिए ये इनमें से एक भी राम के राज अभिषेक का विरोध नहीं करेगा, मुझे विश्वास है, इसलिए मैं तत्काल कल ही राम का राज अभिषेक कर देना चाहता हूं क्योंकि मुझे अपशकुन हो रहे हैं। जैसे आपको पहले दिन बताया था कि महाराज दशरथ ने केकई के पिता अश्वजीत को
कैकेयी के संतान को अयोध्या नरेश बनाने का वचन लिख के दिया था। ये बात महाराज दशरथ को मालूम थी और वो कह रहे थे कि मैं भरत को राज दूंगा, भरत राज लेगा नहीं, मैं मेरे भरत को जानता हूँ। और बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई राज कभी इक्ष्वाकु में किसी ने किया नहीं है, इसलिए अब इसके ऊपर कोई आपदा नहीं है और कल ही राज अभिषेक की तैयारी करना चाहिए और तैयारी हो रही थी। ये समाचार कौशल्या माता को मिली। कौशल्या माता प्रसन्न होकर अपने भगवान नारायण की पूजा करने लगी कि मैंने जीवन भर जो आपकी पूजा की है उसका फल मेरे को मिल रहा है, और वो संतुष्ट थी अपने स्थान पे। दोपहर का समय हुआ, शाम से पहले देवताओं ने एक अप्सरा को कैकेयी नरेश महाराज के पास एक दासी के रूप में भेज दिया था, मथुरा उसका नाम था। वो देवताओं की भेजी हुई अप्सरा थी, रावण के वध में सहायता करने के लिए आई हुई थी। वो कैकेयी के साथ विवाह में आ गई थी अयोध्या, और कैकेयी की मुंह लगी हुई दासी थी। वो छत के ऊपर महल के चढ़ी है, कैकेयी को कुछ मालूम नहीं था। कैकेयी अपने महल में पलंग पे लेटी हुई थी। मंथरा ने बहुत नगर को सजा हुआ देखा तो पास में कौशल्या के महल पे राम को दूध पिलाने वाली बचपन की माता जो थी उसको कहा, ये बहन ये सारा नगर क्यों सजा है? उसने कहा, मथुरा तुम्हें पताक तक में नहीं है? अरे हमने हमारे राम राय का राज अभिषेक होने वाला है। इतना सुनना ही मथुरा को सांप सूंघ गया, सांप सूंघ गया। मथुरा दौड़ती हुई नीचे कुबड़ी गई और सोई हुई कैकेयी को कहती है, आराम से सोई है, तेरा अहित हो रहा है, कुछ पता है? बोले क्या हुआ, वो क्या क्या क्यों ऐसे तुम सांप की तरह पुकार रही हो, क्या हुआ, किसने तेरी कुबड़ पे लात मारी? बोला मेरी कुबड़ पे लात नहीं मारी, तेरी किस्मत पे लात मारी। बोला हुआ क्या? बोला राम का राज अभिषेक हो रहा है। एक बहुत सुंदर माला सोने की पड़ी थी, कैकेयी ने निकाल के कहा, ये लो उपहार, इतना अच्छा समाचार सुनाया है, मेरा प्यारा राम मुझे भरत के बराबर ही प्रिय है, राम का राज अभिषेक हो तो उपहार लो। कैकेयी के मन में कोई दोष नहीं था। मंथरा कहती है, कुछ समझ में आता है, रानी बनी हो, राम राजा बनेगा तो कौशल्या महारानी बनेगी ना, और तुम नौकरानी रह जाओगी तो मैं पहले नौकरानी हो, दो क्या करेगी घर में? इसका अर्थ ये हुआ तो हम तो हो जाएंगे नौकरानी। फिर भी कैकेयी ने कहा, ऐसा दुर्वचन मत कहो, हमारा राम कौशल्या से अधिक मुझसे प्रेम करता है। फिर मथुरा ने चालाकी से आगे कथा में कहा, इतना ही नहीं है रानी, सुनो, राम राजा बनने के बाद अपने रास्ते से हटाने के लिए भरत को मरवा भी सकता है, ये बात कैकेयी सह नहीं सकती। कैसे तो मैं कभी नहीं होने दूंगी, असंभव। लेकिन मथुरा इसको रोकेंगे कैसे? अब मथुरा कहती है, रानी आपने एक मेरे को एक दिन कहा था ना, देवसुर संग्राम में संभ्रासुर से युद्ध करते हुए महाराज दशरथ ने आपको दो वचन दिए थे, आज मांग लो। पहले वचन में भरत का राज अभिषेक, दूसरे में राम का 14 साल वनवास। अब राम 14 साल नहीं रहेगा, प्रजा उसको भूल जाएगी,
आपके बेटे का राज निष्कंटक हो जाए। अब यहां दो बातें ध्यान में देना। एक दासी को इतना मुंह क्यों लगाना कि अपने पति के साथ एकांत में बात की है, वो दासी को क्यों पता होना चाहिए? इतनी मूर्खता घर में क्यों करनी चाहिए कि पति पत्नी के बीच में जो एकांत में बात हुई वो दासी को क्यों बताया? आज संकट पैदा हुआ कि नहीं हुआ? अब केकई ने मंथरा का शरण ले लिया और तो अब निश्चित रूप से दुर्घटना घटेगी। अब यहां थोड़ा सा कथा में मोड़ ही आपको दे के बताना चाहते हैं। जब केकई बहुत छोटी बच्ची थी, 5-1 साल की, तो उनके पिता के महल में एक संत आए थे। बड़ा अच्छा सेवा किया, संत को भोजन करवाया। रात को संत जब सो गया तो छोटी बच्ची थी, केकई को कुछ समझ में नहीं आया। वो जो चूल्हे के ऊपर जो रोटी बनाई थी ना, तवे के ऊपर, उसके पीछे से हाथ ऐसे करके तेल लगाकर और सोए हुए साधु के मुंह के ऊपर मल लिया। तो बच्ची थी, इसको कुछ पता नहीं मैंने क्या किया। साधु सुबह उठ के हाथ ऐसे मुंह पे लगाए तो काला हो गए। मुंह काला किसने किया? जिसने काला मुंह किया उसको कलंक लगे। ऐसे कह के साधु तो वहां से भागा कि बोला रात रात सोए काला मुंह किया है और क्या करेंगे, पता नहीं, भागो। लेकिन बेचारे केकई तो निरपराध थी, उसने देखा साधु है नहीं, और एक जो साधु का लोटा पड़ा था करमंडल वो भूल गया साधु, इसने उंगली में करमंडल को उठाया, भागती भागती गई। बाबा 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 रुको रुको, तुम्हारा करमंडल रह गया। बाबा ने कहा रात को काला मुंह करती है, सुबह करमंडल वापस लाके दे रही है, इसके दोष नहीं है। बोला बेटी ये तुम्हारी उंगली वजर की हो जाएगी, तुमने मेरा करमंडल लाके दिया है, ये तेरी उंगली वजर की हो जाएगी। अब एक आशीर्वाद और एक शराब केकई को मिला हुआ था। वो जो आशीर्वाद था, महाराज जब युद्ध कर रहे थे रथ का पहिया टूट गया, पहिए का जो खिलकीला था निकल गया, उसकी जगह पे उंगली डाल दी, क्योंकि उंगली तो वज्र की थी, उसको मालूम था इसको मेरे को मिला हुआ है वरदान। तो रथ का पहिया बच गया, महाराज को रथ से बाहर निकाल के आई सारथी बनी हुई थी केकई। महाराज बड़े खुश हो गए कि आपने मेरी आज मेरे जीवन की रक्षा की। कोई वर मांग लो, केकई ने कहा आप ही हमारे वर हो, और क्या वर मांगू, पति के अधिक और कौन वर होता है, नहीं चाहिए कोई वर। बोला एक नहीं दो मांग लो, बोलो रखो अपने पास, आवश्यकता नहीं। अब एक थोड़ा और कथा में मोड़ ही आता है। रामचंद्र अधिक से अधिक समय केकई के महल में गुजारते थे, क्यों महाराज दशरथ वहां होते थे ज्यादा। एक दिन रामचंद्र ने जाके अपनी मां केकई के पीछे से ऐसे आंखें बंद कर दी, तो केकई ने हाथ से लगाया कि ये तो मेरा प्रिय राम है। बोला आंखें तब हाथ हटाऊंगा जब एक वचन दो। बोला बेटा तुम्हारे लिए प्राण से अधिक तो मुझे कुछ नहीं है, जो चाहिए मांग लो, बोला पहले वचन दो। बोला पति मुझे प्रिय है और फिर आप और भक्त मुझे प्रिय हो, इससे और कोई तो प्रिय है नहीं, मैं शपथ लेके कहती हूँ जो मांगोगे दूंगी बेटा। तो राम ने कहा माता कौशल्याम पुत्र मोह में ये काम नहीं कर पाएगी, आपको मुझे 14 वर्ष वनवास देना पड़ेगा, क्योंकि देवताओं का काम साधुओं का प्रचारण और असुरों का विनाश तभी हो पाएगा। मेरे अवतार का उद्देश्य परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतान, ये कार्य तभी हो पाएगा जब ये काम आप करोगे। केकई ने कहा
बेटा मैंने आपको वचन दिया है, मैं जानती हूँ कि मुझे कलंक लगेगा, और ये मुझे साधु ने कहा था, मैं जानती हूँ, निश्चित रहो बेटा, समय आने के ऊपर मैं आपकी ये इच्छा पूरी करूँगी। तो केकई में दोष राम ने कभी नहीं देखा। दशरथ महाराज ने केकई को बुरा भला कहा है, गुरु वशिष्ठ ने कहा है, सुमंत्र ने कहा है, भरत ने भी कहा है। राम जी कहते थे मेरी माँ छोटी को वही अपशब्द कहेगा जिसने साधु का संग नहीं किया। तो केकई के प्रति दुर्भाव समाज में अच्छा नहीं है, क्योंकि राम की इच्छा थी। अब उस कथा पे आते हैं जहां कथा को छोड़ा था, क्योंकि ये इसका जो है पर्दे बैकग्राउंड है। मथुरा ने कहा जब तक महाराज शपथ न ले ले तब तक अपने दोनों वचन मत मांगना। इतना दासी भी जानती थी कि एक बार शपथ लेने के बाद कोई उसको भुला नहीं सकता, वचन जरूर पालन करता है। अब आप जाके कूप भवन में सो जाओ। महाराज दशरथ सब तैयारियों को देखकर और केकई के महल में आए। केकई देखी नहीं, कहा कि शुभ समाचार केकई को दूंगा, काम तो तत्काल कर रहे थे, कल ही सुबह होना है राज अभिषेक। मंथरा से पूछा, बोला महाराज यहाँ थी, वो कूप भवन में चली गई। कूप भवन में क्यों गई? बोला महाराज मालूम नहीं, काले कपड़े पहन के चली गई। महाराज अंदर गए, केकई को ऐसे देखा पड़ी हुई धरती के ऊपर काले वस्त्र पहन के। बोला प्रिय केकई, इतना प्रसन्न का आज दिवस है और आप यहाँ कूप भवन में क्यों हो? क्या चाहिए? किसने आपका अपमान किया है? हाँ आपको जो मांगो आज तो मैं इतना प्रसन्न हूँ, जो मांगोगी दे दूंगा। बोला ऐसी कहते रहते हो, कभी दिया तो है नहीं, तुम्हें कौन सी चीज की कमी है, क्या चाहिए? बोला पहले शपथ लो फिर मांगूंगी। प्रिया राम के अधिक मुझे कोई प्रिय नहीं है, मैं राम का शपथ लेके कहता हूँ आज राम का राज अभिषेक का दिन है, तुम जो मांगोगी दूंगा। अब उठ के बैठ गई, शपथ जो ले लिया था ना। बोला तो सुनो, आपने मेरे को दो वचन दिए थे देवसुर संग्राम में, याद है ना? बोला दो क्यों, 12 मांग ली। बोला दो ही बहुत है, क्या चाहिए? बोला पहले में मेरे पुत्र भरत को राम की जगह पे राज अभिषेक करो। दशरथ ने कहा राम भी तुम्हारे भरत के समान प्रिय है ना। बोला मैं पहला वचन यही मांगती हूँ और दूसरा वचन भी सुन लो, आज सुबह से ही, कल होते ही सुबह राम 14 साल के लिए वनवास जाए। ये सुन के महाराज दशरथ पहले तो मूर्छित हो गए, राम से जुदाई को सह नहीं सकते। थोड़ी देर के बाद होश में आए कि तो क्या कह रही है केकई, तुम्हारा पहला वचन मान लेते हैं, राम जी को भरत के राज देने में कोई आपत्ति नहीं है, वो तो भरत से प्रेम करता है, पहला वचन मांग लो, राम को वनवास का वचन ये तुम छोड़ दो, पहले राम वनवास जाएगा फिर भरत का राज अभिषेक होगा। क्रोध आ गया महाराज को, तुम मेरा प्राण लेना चाहती हो, राम नहीं रहेगा तो मेरा प्राण नहीं रहेगा, तुम अयोध्या की जनता का जीवन हरण करना चाहती हो, ये दुष्ट विचार तुम्हारे अंदर कहां से आ गया? थोड़ी देर के बाद फिर केकई के चरणों में माथा रख के कहते हैं, केकई राम को मुझसे भूख मत करो। केकई कभी डांटते हैं, कभी प्रार्थना करते हैं, सारी रात गुजर गई, आंखें लाल हो गई, आंसू बह रहे हैं। महाराज सुबह मूर्छित पड़े थे, वशिष्ठ जी बाहर आए के मूर्त सुबह सवेले है, और सुमंत्र जी आप अंदर जाइए, महाराज को बुलाइए। सुमंत्र राजा को उठाने के लिए जो सुबह सवेले गीत गाते हैं, उठो महाराज
दशरथ ने कहा ये मेरे को आज कान में विष डाल रहे हैं, मत कहिए ये। सुमंत्र ने कैकेयी से पूछा कि महाराज ऐसे अस्त व्यस्त क्यों पड़े। कैकेयी ने कहा बहुत खुशी में सारी रात सो नहीं पाए, अब इनकी आंख लग गई, ये राम जी को देखना चाहते हैं, आप भुला के आए। कैकेयी सुमंत्र को नहीं बता रही है कि मैंने दो वचन मांगे हैं, जानती है कि ये मंत्री बड़े बुद्धिमान होते हैं, ये मेरी बाजी पलट देंगे, मंत्री चौपट कर देंगे खेल, इसलिए नहीं राम जी को पहले बुलाओ। सुमंत्र ने कहा मैं राजा के आदेश से जा सकता हूँ महारानी। तब महाराज दशरथ ने आंखें खोली कि मैं राम जी को देखना चाहता हूँ। सुमंत्र बाहर निकले, राम जी को जाकर समाचार दिया। अभी राम जी रथ के ऊपर चढ़ के बहुत तीव्र गति से आए और आके अंदर जाके प्रणाम किया पिता को माता को। कुछ दशरथ बोल नहीं पा रहे थे। राम जी ने कहा माता मुझसे कोई अपराध हो गया है कि पिताजी को कष्ट हुआ है इसलिए मुझसे रूठे हैं क्या? कैकेयी कहती है राम तुम जैसे पुत्र से कोई अपराध तो हो नहीं सकता, इनको कुछ आपको कहना है इसका साहस नहीं कर पा रहे, इनमें हिम्मत नहीं है इसको कहने की, मैं ही बता देती हूं, दो वचन इन्होंने मेरे को दिए थे, आज मैंने एक वचन पहला मांग लिया कि आपकी जगह पे भरत को राज तिलक हो। तो रामचंद्र का चेहरा मुस्कुराने लगा, कोई ग्लानी नहीं हुई। लिखा है रघुकुल दीप, जैसे रघुकुल का दिया चमक रहा है ऐसे ये समाचार सुन के मुख चमक गया रामचंद्र का। कहा भरत मेरा भाई है, राजा बनेगा, माँ आपने तो अन्याय कर दिया, लोग कहेंगे छोटा राज भरत को दे दिया। दूसरा वचन कहा तुम्हारे को 14 साल वनवास, रामचंद्र का मुख और खिल गया। कहा रघुकुल मणि, तेल होगा तब दीप जलेगा, मणि तो अपने आप प्रकाशमान होती है। रामचंद्र का मुख चमक रहा है, कहा मैया यही तो मैं कह रहा था, भरत को आपने लोग कहेंगे माँ कैकेयी ने पक्षपात किया है, भरत को छोटा अयोध्या का राज दिया है, राम को पूरे वन प्रदेश का राज दे दिया है, तो आपने मुझे बड़ा राज दे दिया ना। और वनवास जाने समय राम जी का मुख कैसा था कि भानुकुल भानु, भानुकुल भानु का मतलब सूर्य वंश में सूर्य के समान चमक रहे थे। कहते योगी की वृत्ति में कभी ग्लानी नहीं होती, ग्लानी नहीं होती। रामचंद्र के चेहरे पे राज लक्ष्मी जाने की कोई चिंता नहीं थी। कैकेयी से राम ने कहा माता पिता को क्यों कष्ट दिया, ये मुझे कह दिया होता क्या मैं आपकी बात को टालता क्या? यहां से रामचंद्र लक्ष्मण बाहर सुन रहा था और दांत पीस रहा था, क्रोध बहुत आ रहा था लेकिन चुप रहा। राम जी यहां से निकला, रथ के ऊपर नहीं चले, अभी से उन्होंने अपने मन से वनवास को स्वीकार कर लिया। माँ कौशल्या के बहन ने गई, कौशल्या को प्रणाम किया, कौशल्या ने उसके लिए योग्य आसन लाई। राम जी ने आसन को हाथ लगा के कहा मैया अब हमारे लिए उस आसन जंगल में बैठने का पिताजी ने आदेश दिया, अब ये राज सिंहासन के आसन हमारे लिए नहीं है। क्या हुआ बेटा? बोला भैया भरत राजा बनेंगे, हम 14 साल के लिए वनवास जाएंगे, पिताजी की आज्ञा। माता गिरने लगी, रामचंद्र ने पकड़ लिया। अब क्रोध लक्ष्मण से रोका नहीं गया, बोला माँ बड़ी माँ बड़ी माँ, वो पिताजी बूढ़े हो गए हैं, वो छोटी माँ के बस में हो गए हैं, मैं उनको बंदी बना के राम को राजा बना दूंगा। लक्ष्मण राम के प्रेम के कारण
ऐसे कठोर वचन कह रही थी। कौशल्या माता को राम जी ने धीरज दिलाया कि ये कुछ दिन है, थोड़े दिन है, 14 साल। आप हिसाब लगाइए कि त्रेता युग में आयु बहुत लंबी होती थी, 14 साल कुछ भी नहीं है, 14 दिन के बराबर भी नहीं है। अगर हिसाब लगाएं आयु का तो 10,000 साल आयु है, तो 14 साल करके क्या वैल्यू है, कुछ भी नहीं। ये गए ये आए, इसमें क्या? कौशल्या को कैसे भी रामचंद्र ने मनाया, लक्ष्मण के साथ सीता अपने महल में आए। सीता तो प्रतीक्षा कर रही थी कि तो राज अभिषेक हो गया होगा, लेकिन रामचंद्र को देखा ऐसे बिना रथ के आ रहे हैं, तो आर्य पुत्र राजाभिषेक नहीं हुआ। बोला सीते पिताजी ने मुझे वन का राज दिया, अब यहाँ माताओं की सेवा करना, आज हम वनवास चले जाएंगे। सीता ने कहा जहाँ पति वहाँ पत्नी को रहना है, स्वर्ग भी पत्नी के लिए नरक से खराब है पति से दूर होकर। पिता माता भाई बहन ये सब अपने रिश्ते, लेकिन पत्नी का रिश्ता पति के साथ है, और सब रिश्ते आने जाने वाले। यहां से समझा तो आपको नहीं पाऊंगा। ये उंगली है जिसमें शादी की अंगूठी, इस उंगली में पहनते हैं ना, रिंग फिंगर कहते हैं। हाँ, ये रिंग फिंगर, रिंग फिंगर कौन सी है, ये ना, ठीक है। अब देखो ये अंगूठी अलग हो गए ना, हो जाती है ना, देखो ऐसे किए। ये माता पिता हैं, समय के साथ तो एक दिन चले जाएंगे, साथ रहने वाले नहीं हैं। ये भाई बहन हैं, बड़े होंगे अलग हो जाएंगे। ये अपने बेटे हैं बेटियां हैं, वो भी चली जाएंगी। अब ये जो एक उंगली बची हुई है जिसमें रिंग फिंगर पड़ती है, इसको अलग करके दिखाओ, इन अलग करके दिखाओ। वो जो बीच वाली उंगली को ऐसे उल्टा करके, ये अलग नहीं होगी, ये होगी नहीं अलग, ये हो जाएगी आखिरी हो जाएगी, ये नहीं होगी, करके दिखाओ, नहीं होगी, नहीं। आप ये अलग नहीं होती है, इसका मतलब ये चाइनीज का एक टोटका है, वो कहते हैं ये उंगली अलग नहीं होती है, इसका मतलब पति पत्नी ही साथ रह सकते हैं, बाकी सब आस्ते आस्ते अलग हो जाते हैं। इनको जीते जी जब तक जिए के साथ रहेंगे। तो सीता ने कहा कि मैं आपके साथ चलूंगी। वन के अंदर कांटे के कंकर राक्षस बैल हिंसक पशु होंगे, सीता कहाँ चलो। सीता राम के प्रेम के कारण थोड़ी सी क्रोधित हो गई मन में, कहा मेरा पिता धनुष के ऊपर प्रत्यंजा चढ़ाने के बाद भी आपके साथ विवाह नहीं करता, मेरा अगर आप इतने कायर हैं कि अपनी पति की पत्नी की रक्षा भी नहीं कर सकते, मैं यहां नहीं रह सकता, आपके साथ जाऊंगी नहीं तो प्राण त्यागूंगी। राम जी ने कहा सीते मैं आपके मन के भाव को जानना चाहता था, अब मैं जान गया कि आप यहाँ मुझसे अलग नहीं रह सकती, मैं भी आपके अलग नहीं रह सकता हूँ, आप चलने की तैयारी करो। अपने घर में जो भी वस्त्र सोना चांदी जो भी धन हीरा मोती है सब बांट दो, सेवकाओं को बांट दो, ब्राह्मणों को बांट दो। और राम जी ने ब्राह्मणों को बुलाया, सब बास घर का सामान बांटा। गुरु वशिष्ठ को प्रार्थना करके कहा कि मेरे सेवक और सेवकाएं जिन्होंने मेरी सेवा की है, इनका हमारे बाद देखभाल करना कि इनको किसी चीज़ का कष्ट ना हो, अभी हमने दे दिया है जो हमारे पास है। और फिर लक्ष्मण को कहा, अब लक्ष्मण दोनों माताओं का ध्यान रखना, सुमित्रा और कौशल्या का। पिता भी इस वक्त मनोस्थिति उनकी अच्छी नहीं है, भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है, भैया तुम पिता का और माताओं का ध्यान रखना। लक्ष्मण ने कहा माताओं का पिताओं का ध्यान अपने आप को रखें,
मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपसे अलग नहीं जी सकता। मेरा प्राण, अब मैं उनकी सेवा करूं ये तो ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, बड़ों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन जब प्राण हो गए तब करूंगा ना, तो आपके जाते ही मेरे प्राण निकल जाएंगे, सेवा कौन करेंगे भाई? प्राण हो गए तब सेवा करूंगा ना, तो आपके जाते ही मेरे प्राण निकल जाएंगे, सेवा कौन करेगा? इसलिए मैं आपको छोड़ नहीं सकता। बोला ठीक है, अपनी माँ से आज्ञा लेकर आओ। लक्ष्मण ने जाकर सुमंत्रा को प्रणाम किया, बोला माता मैं भैया रामचंद्र के साथ वनवास जाता हूँ, मुझे कहा है माता से आज्ञा लिया होगा। बेटा तुम्हारी माता तो सीता है, मेरे पास आज्ञा लेने क्यों आई हो? मैंने तो सीता को आपको अर्पण कर दिया है। हाँ, मेरे पास आए हो तो सुनो, आज के बाद राम तुम्हारे पिता है, सीता तुम्हारी माता है, वन तुम्हारे लिए अयोध्या है, वापस इनको सुरक्षित लाके मेरे चरणों में प्रणाम करना, जाओ बेटे मेरी आशीर्वाद। सुमित्रा जैसी माता और उर्मिला जैसी पत्नी लक्ष्मण को मिली है, वो दिख नहीं रही है, लेकिन उनका त्याग और उनका बलिदान रामायण में बहुत गहराई में छुपा हुआ है। लक्ष्मण को राम जी ने कहा दो धनुष जो वरुण देव ने दिए थे महाराज जनक को अपने अंदर से ले आओ, दो तीर धार वाली तलवारें, अभेद्य कवच और कभी न समाप्त होने वाले तीरों के दो तुड़ेल लेकर आओ, और फिर ये तीनों पैदल चले हैं सीधे महाराज दशरथ से विदा लेने के लिए। तीनों ने जाके प्रणाम किया है। रामचंद्र ने कहा है पिताजी हम आपसे आज्ञा लेने आए, हमने बहुत समझाया सीता और लक्ष्मण को, ये नहीं मान रहे, आप इनको अनुमति दीजिए, ये हमारे साथ वनवास जाना चाहते। महाराज दशरथ कहते हैं बेटा तुम मुझे बंदी बना लो, राज सिंहासन पे बैठ जाओ, कोई तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, सब प्रजा तुम्हें प्रेम करती है, बना दे मेरे को बंदी। रामचंद्र कहते पिताजी आपके आज्ञा पालन करना मेरा धर्म है, मैं आज्ञा पालन करने की अनुमति देने आया हूं। दशरथ कहते सुमंत एक अक्षौणी सेना कोश बन का रास्ता ढूंढने वाले सब रामचंद्र के साथ बन में भेजो। कैकेयी कहती है मेरे बेटे भरत को सोना राज दोगे क्या? दशरथ को क्रोध आया, बोला तुमने दो वचन मांगे थे तब ये मांगा था कि राम को मत देना सेना और धन, चुप करो, मेरे लिए मर चुकी, आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, कुल कलंक नहीं। रामचंद्र ने कहा अब हम वनवास जा रहे, तो सीता अंदर से पेड़ के छाल के कपड़े लाई, रामचंद्र ने पहन लिए, लक्ष्मण ने पहन लिए, सीता पहन नहीं पा रही, उस बिचारी को बलकल के वस्त्र पहनना असंभव लग रहा था। तो सुमंत्र को क्रोध आ गया, सुमंत्र ने कहा ये तुम्हारी पुत्र वधु है, इसको तुमने तो नहीं दिया है ना वनवास, इसको सुंदर साड़ी में जाने दो, क्या बलकल पहना रही हो? एक कथा बताई सुमंत्र ने कैकेयी को, बोला आपका पति आपका पिता कैकेयी आपका पिता अश्वजीत महाराज कैकेयी नरेश, उसको एक ऋषि ने एक विद्या दी थी, किसी भी पक्षी का जानवर का पशु का वो बोलने का अर्थ समझ लेते थे। एक बार कोई पक्षी कुछ आवाज निकाला, महाराज हंसने लगे क्योंकि उसका अर्थ समझ गए, आपकी माँ पास में बैठी थी उसने समझा मेरे ऊपर हंसे, उसने कहा आप हंसे क्यों? बोला पक्षी ने कुछ कहा इसके ऊपर, बोला क्या कहा बताओ, बोला इससे आपको क्या लेना है? बोला नहीं बताओ बताओ नहीं तो मैं प्राण दे दूंगी। महाराज को बहुत चिंता हुई कि अब पत्नी को बताऊंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, ऋषि ने कहा है कि पक्षी का आवाज आपने समझ लिया किसी को बताया तो प्राण निकल जाएंगे, और नहीं बताऊंगा तो ये घर में झगड़ा हो रहा, चला गया ऋषि के पास, बोला महाराज अब क्या करूं, संकट आ गया है,
ऋषि ने कहा पत्नी को डांट दो। बोला नहीं बताऊंगा, बताऊंगा तो प्राण निकल जाएगा। तुम विद्या हो, विधवा होने को तैयार हो क्या? बोला आपके पिता ने आके आपकी माता को यही शब्द कहे, अर्थ नहीं। आज मैं आपको कह रहा हूं राम जी वनवास जाएंगे, महाराज दशरथ के प्राण निकल जाएंगे। तुम्हें विधवा होना पसंद है क्या? तुम्हारे पिता ने तुम्हारी मां को नहीं बताया तो आपको आज अपना ये वचन वापस लेना चाहिए। लेकिन केकई आज नहीं मानने वाली थी क्योंकि राम जी को वचन दे चुकी थी। और फिर भगवान की लीला का ये भाग था, राम जी राज करते तो आज रामायण कथा थोड़ी होती, वनवास गए तब राम कथा हो रही। तो ये प्रसिद्ध राम को होने के लिए भी तो ये आवश्यकता। और गुरु वशिष्ठ को भी क्रोध आ गया था, कुल कलंक ने केकई तुम अपने पुत्र वधु के शरीर के ऊपर वृक्ष की छाल के कपड़े पहना के भेजना चाहती हो घर से, जिसको मुंह दिखानी में तुमने कनक भवन दिया था उसको आज पेड़ की छाल के कपड़े पहना रही हो, लज्जा नहीं आती? लेकिन आज के कई निर्लज होकर बैठ खड़ी थी। महाराज दशरथ ने कहा सुमंत्र रथ के ऊपर तीनों को बिठा के ले जाओ, मन थोड़ा घुमा के बच्चे वापस लेके आ जाओ, नहीं माने तो सीता को जरूर ले आना, ये कोमल सीता वन का कष्ट नहीं सह पाए। तीनों रथ के ऊपर चढ़े, सुमंत्र ने रथ को चलाया है, सारे अयोध्या वासी पीछे चल रहे। महाराज दशरथ उठे रथ के पीछे दौड़ रहे हैं, रुको रुको एक दिन राम रुक जाओ, कल जाना, आज मैं देख लूं एक दिन के लिए। राम जी कहते अब एक मिनट भी रुकना पिता की पीड़ा को बढ़ाना है, रथ को रोको थोड़ी देर के लिए, राजा आदेश दे रहा है। सुमंत्र बेचारा रथ को रोक रहा है, राम कहते नहीं तेज चलो, अब रोकना ठीक नहीं है। ऐसी परिस्थिति हो गई, प्रभुपाद जी क्या 77 का जब शरीर ठीक नहीं था, जुहू में ऊपर रहते थे, उन्होंने कहा मेरे को शरीर छोड़ना है और मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। तो सबको आश्चर्य लगा, आज तक किसी ने नहीं कहा कि मैं शरीर छोड़ने जा रहा हूं, ये कौन कहता है ऐसे? तो गिरिराज महाराज ने उस वक्त वो नरेंद्र विसाई को फोन किया, श्री नाथ जी दास फिर उनका नाम हुआ, उनके पास बड़ी बहुत बड़ी अमेरिकन जो डाज कार थी, कहा गुरु महाराज शरीर छोड़ना चाहते हैं। वो कह सुन के आश्चर्य, ये कोई नहीं कहता है, कौन कह रहा है शरीर छोड़ने का? बोला वृंदावन जा रहे हैं, आपकी गाड़ी में रेलवे स्टेशन ले चलिए। महाराज शिवाजी नगर वाला जो आजकल कहते हैं जिसको, तो वो गाड़ी लेकर आया पीछे, प्रभुपाद जी को सुला दिया। आगे बड़ी सीट थी, कुमार कृष्ण महाराज ब्रह्मानंद स्वामी बैठे, तो गाड़ी थोड़ी तेज चलाए तो पीछे प्रभुपाद जी को झटका है, तो कुमार कृष्ण के आस्ते बार गाड़ी चलाओ, और पीछे से प्रभुपाद जी अपने जो सेवक था उपेंद्र कोदकोंडा उसको बोला तेज गाड़ी चलाओ। अब दो बार कुमार कृष्ण ने कहा रोको धीमा चलो, प्रभुपाद को चोट लगेगी, और प्रभुपाद कहते तेज चलो। अब ना दिशाई कहते मैं गुरु की बात मानू आपकी मानो, जो वो कहते तेज चलो तो तेज चलो, और तेज चलाई गाड़ी को। स्टेशन के ऊपर पहुंचे, नाथीदास कहता है मैं रेलवे मास्टर की ऑफिस में था, मैंने बोला व्हील चेयर दो, महाराज शरीर छोड़ने जा रहे हैं वृंदावन। तो वो फिर पागल हो गया कि शरीर छोड़ने कैसे जा रहे हैं। वो भागते भागते उसने बोला गाड़ी का आज टाइम आधा घंटा पहले हो गया है, पहले 11:30 निकलती थी आज 11 बजे निकलेगी, तो प्रभुपाद तेज गाड़ी उसको चलाने को कह रहे थे, 2 मिनट पहले पहुंचे थे, पास्ते आते तो नहीं पहुंचते। फिर कैसे भी व्हील चेयर पर ला जाएंगे प्रभुपाद बेटा। तो हम कह रहे हैं कि जब दो चीजें कहने वाले, एक तेज चलो एक कहे आस्ते चलो, आज सुमंत्र को राजा कह रहा है आस्ते चलो महाराज दशरथ, और रामचंद्र कह रहा है तेज चलो, ऐसी दुविधा में था, बोला तेज चलो, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, पिता को बहुत कष्ट होगा। महाराज दशरथ तब तक देख रहे जब तक वो रथ की धूप दिख रही थी, फिर धड़ाम से नीचे गिरे, आंखें बंद हो गई। पास में कौशल्या ने आई, केकई आई, बोला मेरे को हाथ मत लगाना,
तुमको मैंने त्याग दिया, सेवक को मुझे कोशिश करके महल में चले गए, वहीं मेरे को सुख और शांति मिलेगी। महाराज को कौशल्या के महल में लाया। रात को कौशल्या को कहते हैं, दशरथ आप मेरे को हाथ लगा के देखो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस अंतिम मैंने रामचंद्र के रथ की उड़ती हुई धूल को देखा था और कुछ नहीं दिखाई दिया। अब कौशल्या कह रही है, आपके पुत्र वन में कौन सा कष्ट होगा, लक्ष्मण जैसा भाई साथ है, सेवा में सीता गई है, उसको कोई चिंता नहीं है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, महाराज ऐसा वचन आपने ही तो दिया है, अब ये कष्ट हमको सहना पड़ेगा। ऐसे कौशल्या करके रात को समझा रही थी। अब हम ये सारा अयोध्या के ब्राह्मण पीछे राम के पीछे चल रहे, राम कहते इतने ब्राह्मणों का रोज मैं देखभाल कैसे कर पाऊंगा, वन में मैं इनकी रक्षा कैसे कर पाऊंगा। रात को तमसा नदी के किनारे पहुंचे हैं तो वहां रुकी है, सोने के लिए सैया बना दिया सीताराम जी की। लक्ष्मण जी तो सारी रात सुमंत्र के साथ बैठे हैं, आधी रात के दो पहर गुजरे सब सो गए। राम जी उठे, कहा सुमंत्र रथ को तैयार करो, इतनी सारी प्रजा को लेके वन में मैं नहीं जा सकता। चेतना महाप्रभु वृंदावन जाने के भाव से जगन्नाथपुरी से निकले और सीधे पहुंच गए राम के लिए बंगाल में। तो वहाँ रूप और सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के मंत्री थे, तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि महाराज आप वृंदावन जा रहे हो, हजारों की संख्या में पब्लिक को साथ लेके कोई तीर्थ यात्रा नहीं होगी, आप अकेले जाना तीर्थ यात्रा में। भगवान श्री चेतन महाप्रभु सनातन गोस्वामी बड़े थे, उन्होंने जब ये कहा महाप्रभु ने उस बात को मान लिया। जब वो वृंदावन गए सिर्फ एक सेवक साथ में लिया, कोई और आदमी साथ में नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं कि इतनी सारी जनता को साथ कहाँ ले जाए, अब रथ को ऐसे ले चलो सीधे जाके फिर वापस आओ, रथ के पहियों से हमारे पीछे ये सुबह हमको ढूंढ ना पाए। रात को निकल गए, सुबह उठ के अयोध्या वासी कहेंगे ये नींद निगोरी ने हमको राम से अलग कर दिया, कहाँ हम सो गए और राम जी चले गए, रथ के पहियों के पीछे आगे पीछे गए, लेकिन बड़ी कुशलता से रथ का रास्ता ही अलग था। दुखी होके वापस लौटे, घर वाले हाँ हाया कर रहे, राम के बिना कैसे लौट के आ गए। सब घरों के दरवाजे बंद थे, दुकान बंद थे, चौराहे बंद थे, ऐसा सुनसान हो गई अयोध्या, और ये अयोध्या की सीमा के ऊपर पहुंचे, अयोध्या की दक्षिण सीमा के ऊपर पहुंचे हैं मिथिला की। तब राम जी ने रथ से उतर के अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया है, जो प्रजा आई थी वहाँ उनको कहा आप यहाँ रहिए, राज की सेवा कीजिए, 14 वर्ष के बाद हम वापस आते आपकी सेवा करेंगे। वहाँ से आगे चल के गंगा जी के तट पे पहुँचे हैं श्रृंगेर को, वहाँ निषाद राज गुहा भगवान रामचंद्र का बचपन का मित्र है, उसने रामचंद्र ने उसको गले मिला लिया, उसने कहा आप आज यहाँ रुकर रात को विश्राम कीजिए, दो अंगूठी का पेड़ है उसके नीचे सीताराम के लिए घास की चटाई चाहिए, और आज भी श्रृंगेरपुर में वो दो पेड़ के निशान स्मृति के लिए आज भी पड़े हैं जाके जिसके नीचे सीताराम सोए थे। श्रृंगेरपुर में वो स्थान है और वो घाट है जहाँ से उन्होंने गंगा पार की थी। ये कोई 40-45-40 किलोमीटर प्रयागराज से कानपुर की तरह हाईवे में आते हैं, उसके अंदर जाते हैं थोड़ा सा। आप में से किसी ने देखा है श्रृंगेरपुर? बड़ा अच्छा तीर्थ है श्रृंगेरपुर, गोयाराज का वो राजधानी थी, रात पूरा सीताराम वहां रात को रुके थे, वो दो पेड़ों के निशान अभी पेड़ उधर लगाए हैं, बाद में भक्तों ने उस स्थान को सुरक्षित रखा है, और वहां घाट बना है जहां से केवट ने राम जी को गंगा पार किया था। तो रात को यहाँ रहे हैं, बड़ा भोजन की सामग्री जब गोया निषाद राज लाया तो राम जी ने कहा आज गंगा के तट पे हम उपवास करेंगे, मात्र गंगा जल पिएंगे बस। हाँ, महाराज दशरथ के अयोध्या के घोड़ों के खाने की व्यवस्था करो, घोड़े खुश तो हम भी खुश। और रात को राम जी लेट गए हैं, लक्ष्मण और गुहा सारी रात जागी हैं, ये राजाओं को ऐसे खुले में सोना ठीक नहीं है, कोई भी राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, दोनों सारी रात जागी हैं।
दूसरे दिन सुबह उठते ही रामचंद्र ने कहा, वट वृक्ष का दूध लाइए, अब हम जटाएं बांधेंगे, यहाँ से रथ के ऊपर नहीं जाएंगे। दोनों भाइयों ने जटाएं बांधी, यहाँ रथ का सुमंत्र से आज्ञा मांगी है कि अब हम यहाँ से आगे अपने आप जाएंगे, आप यहाँ से वापस अयोध्या जाइए। तो सुमंत ने कहा कि कुछ संदेश, राम जी ने कहा पिता को कहना कि तीनों माताओं के साथ बराबर का व्यवहार करना, भरत के राज के उपरांत सबकी देखभाल करना, हम 14 वर्ष में वापस आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। सीता कुछ बोल नहीं पाई, सिर्फ रथ की ओर देख रही थी, और लक्ष्मण ने जो वचन कहे, राम जी ने कहा मेरी शपथ है आपको सुमंत्र महाराज दशरथ को जी वचन मत कहना, वो सुन नहीं पाए। यहां से राम जी गंगा पार करते, वैसे राम वाल्मीकि रामायण में गंगा पार करने का कोई विशेष वर्णन नहीं है कि नाव में गंगा पार करके दूसरी तरफ चले गए, इतना ही लिखा है। और वो राज वहां का राजा था, उसने किसी नावक को बुलाया और गया। तुलसीदास ने यहां, क्योंकि अब एक ऐसा दुख का, जुदाई का, वियोग का एक पीड़ाजनक ऐसा स्थिति हुई है कि राम सीता लक्ष्मण अब जटाएं बांधी है, रथ को छोड़ रहे हैं, तो ऐसे थोड़ा रोचक सा एक प्रसंग आना चाहिए, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने केवट का प्रसंग लिखा है। नाव के ऊपर राम जी जब गए, केवट ने कहा कि उस पार ले चलो, बोला यही तो हमारा काम है, गंगा पार कराते हैं, परंतु आपको नहीं ले जा सकते, क्यों, क्या बात है? बोला हमने सुना है आपके चरण की धूली लगने से पत्थर की नारी स्त्री हो गई, ये मेरी नौका कई स्त्री हो गई, तो एक घर में पहले है, दो को कौन संभालेगा? अब थोड़ा सा रोचक माहौल हो गया ना, तो लक्ष्मण को क्रोध आ रहा था। राम जी बोला शांत रहो भैया, सुनने दो क्या कहता, आपको नहीं चला सकता, हाँ आपको जाना है तो आगे 100 मीटर आगे गंगा घुटने भरे, वहां से चल के चले जाओ, क्या जरूरत है नाव में जाने की? लक्ष्मण ने चलो भैया वहां से चलते, रुको तो क्या करना है? बोला पांव धो लो, आपके चढ़ाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, पांव धुल जाएगा, मिट्टी चली जाएगी तो मुझे डर नहीं रहेगा। कहते हैं भगवान क्षीर सागर में जब सोते हैं तो लक्ष्मी चरण दबा दिए, शेष ऊपर ऐसे सैया के ऊपर सोए होते हैं, एक छोटा कछुआ था वो भगवान के चरणों को छूना चाहता था, तो लक्ष्मी भगा रही थी और शेष फूंक करके उसको भगा रहा था। वो बेचारा अब केवट बने का है, उसने कहा वहां तो मेरे को लक्ष्मी भगा रही थी, यहाँ सीता खड़ी देख रही है, वहां तो ये पुकार कर रहा था, यहाँ ये भी चुप खड़ा है, अब मेरा काम पूरा हो जाएगा, चरण भगवान के मेरे को छूने थे, अब तो मौका मिल ही गया, ये सब मौका फिर अब मैं आज, तो भगवान ने कहा क्या धो लो, चलो लाओ गंगा का जल। बोला गंगा के जल से आपका चरण, ये तो आपके चरण से निकली हुई है, ये तो जूठा हो जाएगा ना, तो गंगा तो आपके चरण से निकली है, उससे ही आपके चरण को धोऊं, इससे कोई फायदा तो ही होगा ना, मैं मेरे घर से चरण लेके आऊ, मैं मेरे घर से पानी लाऊंगा। और अपने घर गया और लकड़ी के कठोरे में पानी लाया, अपने गांव वालों को बुलाया कि चलो देखो मैं भगवान के चरण धुलवाऊंगा, और जिस भगवान के चरणों से गंगा निकली है, सारी दुनिया को पवित्र कर लिया, उस भगवान के चरणों को धो रहा है अपने हाथ से, कितना भाग्यशाली केवट है, चरण धो लिए, सारे परिवार को भगवान के चरणों का पानी पिला दिया, फिर कहा अब धूल वापस रेत में मत रखना चरण, नहीं तो फिर हमारा क्या हुआ, सारी मेहनत पानी में चल जाएगी, फिर रेत लग जाएगी, फिर नाव हमारी संकट में आ जाएगी, अब आप दोनों चरण मेरे हाथ के ऊपर रखो, और अब आप अपने दोनों चरण मेरे हाथ में रखे तो भगवान खड़े कैसे हो? बोले मेरे सर के ऊपर हाथ रखो, अब दोनों हाथ भगवान ने केवट के सर पे रखे,
डबल हाथ की आशीर्वाद मिल रही है, दोनों पांव उसके हाथ में है, और लेकर नाव में बिठाया। अब देख रहे सीट आज कुछ कह नहीं पा रहे, लक्ष्मण जी देख रहा है, केवट ने अपना सुख ले लिया, नाव चलाई दूसरे पार पहुंचे। राम जी ने अंगूठी निकाल के कहा, केवट तुम्हारे को उतराई देते हैं। बोला, हम यहाँ नाव चलाने वालों का एक नेम है, हम अपने धंधे वालों से जो नाव चल जो पार कराते हैं गंगा, उनसे हम किराया नहीं लेते, एक ही हमारा धंधा है, तो उससे। तो भगवान ने कहा, तुम्हारा हमारा एक जैसा धंधा कैसे? बोला, हम गंगा पार करते हैं, आप भव सागर पार करते हैं, तो धंधा तो हमारा एक ही हुआ ना। मैंने आपको गंगा पार करा दिया, आप हमको भव सागर पार करा देना, तो इसमें आपका कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है आपसे। तो दूसरी तरफ राम जी जब पहुँचे हैं तो यहाँ से सीधे भरद्वाज के आश्रम में आए, वो प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। ऋषि भरद्वाज ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया है, और ऋषि ने कहा है, इक्ष्वाकु वंश में महाराज भागीरथ महान है, जो धरती के ऊपर गंगा को लाए और सारी दुनिया का उद्धार हो गया, गंगा का स्नान दर्शन जल मिल, भागीरथ से महान महाराज दशरथ है, जो साक्षात रामचंद्र आपको धरती के ऊपर लाए हैं, और मैंने जो जप तप ध्यान योग जो कुछ किया है उसका आज मुझे फल हुआ, ये मिला है कि सीताराम लक्ष्मण आपका दर्शन हुआ, रात को यहाँ रहे हैं। गुहाराज ने कहा, आपका राज्य महाराज यहीं रह जाओ। राम जी ने कहा, अयोध्या निकट है, लोग यहाँ आए दिन आएंगे, वनवास का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, यहाँ नहीं रह सकता। भरद्वाज ने कहा, यहाँ रहो, त्रिवेणी संगम है, प्रयागराज है। बोला, नहीं, यहाँ भी अयोध्या के लोग नजदीक आ जाएंगे, आप बताइए कहाँ जाए, कहाँ रहे। तो कहते हैं कि भरद्वाज ऋषि ने कहा, अथवा आगे वाल्मीकि जी ने कहा कि चित्रकूट बहुत अच्छा स्थान है, मंदाकिनी के नीचे तट पे आप रहिए, बड़े साधुओं का वहाँ संग मिलेगा। तो यहाँ से भरद्वाज के आश्रम से आगे राम पीछे सीता, उसके पीछे लक्ष्मण चल रहे हैं, और ये रास्ते में जब जा रहे हैं, सुमंत्र वापस नहीं गया, उसने गुहा को कहा, निषाद को, कि अपने गुप्तचर भेजो, कहाँ जाके रुकते हैं ये समाचार हमको दो, फिर हम वापस लौटेंगे। अब यहाँ से जब चित्रकूट की ओर जा रहे हैं, वाल्मीकि जी के आश्रम से भी वाल्मीकि जी ने भी उनका स्वागत किया है। रामचरितमानस में लिखा है कि राम जी ने पूछा है कि हम कहाँ रहें, तो वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए हैं, कहा भक्तों का हृदय आपका रहने का स्थान है, आप कहाँ रहें, आप अपने भक्तों के हृदय में रहें, ऐसे बहुत सुंदर वो जो है कविता के भाव में 14 स्थान राम को रहने के लिए बताए हैं। वो आध्यात्मिक स्थान है जहाँ भगवान सदा रहते हैं, परंतु कहा कि चित्रकूट में रहिए। यहाँ जब जा रहे हैं सीताराम लक्ष्मण, तो एक भाव भरी एक लीला होती है कि एक बहुत बड़ा कांटा सीता माता के चरण में तलवे में चुभता है और यहाँ से बाहर निकलता है, हे राम कह के सीता राम से नीचे गिर पड़ती है, राम जी उसको गोद में ले लेते हैं, लक्ष्मण कांटा निकालते हैं। उस समय श्री रामचंद्र ने पृथ्वी को कहा, हे देवी, सीता के रास्ते में कांटा आए तो आने देना, नहीं तो पतिव्रता धर्म का पता कैसे लगेगा संसार को, लक्ष्मण के रास्ते में कांटा आए तो आने देना, नहीं तो सेवक धर्म का भी संसार को समाचार नहीं मिल पाएगा, मेरे रास्ते में कांटा आए तो आने देना, नहीं तो नायक के चरित्र का भी पता संसार को नहीं लगेगा, परंतु पृथ्वी एक मेरी प्रार्थना है, मेरा भोला भाई भरत कभी इस रास्ते से आए तो कोई कांटा मत रास्ते में रखना, वो बड़ा साधु उससे पृथ्वी ने कहा, साधु को कांटे की क्या परवाह। रामचंद्र कहते हैं, भूमि देवी, साधु की आप नहीं सुनती, समझती हैं साधु के दिल के भाव, उनको अपने पैर पांव में कांटा लगेगा तो दर्द नहीं होगा, वो कहेगा यहां से राम जी गए हैं, सीता लक्ष्मण, उनको दर्द हुआ होगा, ये वो सह नहीं पाएगा,
इसलिए भक्ति के रास्ते में एक भी कांटा कंकर नहीं आना चाहिए, ये पृथ्वी हमारी प्रार्थना है तुमको। और यहाँ से चित्रकूट में राम की आके सीता के संग रहे हैं और लक्ष्मण ने कुटिया बनाई है, सीता राम उधर रहते हैं और इस प्रकट शिला है। ये ऐसा स्थान है जो सीता और राम सबसे सुखी जीवन यहाँ गुजारा है, बहुत अच्छा जीवन यहाँ गुजारा है। कहीं राम जी सीता को धनुष बाण चलाना सिखाते हैं, इस प्रकट शिला है, वहाँ पर बैठते हैं, जाके नदी सरोवर एक बहुत अच्छा सुंदर वातावरण है। आज में से चित्रकूट आप में से कोई गए हैं तो बहुत सुंदर स्थान है, कमदगिरी है, परिक्रमा करते हैं और यहाँ से हम वापस लौटते हैं। सुमंत्र जी पता लगा कि राम जी ऐसे रास्ते से गए अब चित्रकूट हैं, वो रथ लेके वापस निकला, अयोध्या पहुँचा, लेकिन प्रवेश नहीं करना है, केला आपको प्रवेश करूँगा, दिन में लोग देखेंगे सीताराम के बिना मेरे, वो मेरे को देख नहीं पाएंगे बेचारे, रात शाम हुई है, रथ को खड़ा किया है, कौशल्या के महल में गया है, प्रणाम किया है महाराज ने, चरणों के आने से सुमंत सीताराम लक्ष्मण को वापस लाए, बोल नहीं पाए, सुमंत बोल नहीं पाए, क्या बताओ क्या कहा। बलराम जी ने कहा ये संदेश दिया, सीता जी कुछ कह नहीं पाई मेरे कहने के ऊपर, मैंने कहा बेटी चलो, बोला मंत्री पिताजी के समान हो, मैं पति के साथ ही रहने में अपने आप को सुखी समझती हूँ, इसलिए वन के कांटे में पति के आगे झाड़ू निकाल के सफाई करती हुई चलूँगी और मैं वन में ही सुखी रहूँगी। लक्ष्मण ने जो कहा है, राम जी ने अपना सौगंध दिया है कि मत बताना, दशरथ कहे मत बताना राम का सौगंध, मत तो न मैं जानता हूँ लक्ष्मण ने क्या कहा होगा, यही कहा होगा ना कि मैं पिता का वध करके राम को राज सिंहासन पे बिठा सकता हूँ, अगर ऐसा मेरा बेटा लक्ष्मण राम के साथ है तो मैं निर्भय होकर प्राण त्याग सकता हूँ, ऐसा रक्षक मेरा पुत्र उसके साथ है, वो मेरे बेटे की मन की बात जानता हूँ। अब यहाँ से सुमंत्र बाहर निकला है, रात हुई है, दशरथ कहते हैं कौशल्या को अब मुझे श्रवण के माता पिता का श्राप याद आ रहा है, शब्द वेदी भान मैंने चलाया था बाण और मटके के पानी को मैंने किसी हाथी के पानी पीने का आवाज समझा था और शब्द वेदी बाण प्राण हर लिए थे श्रवण कुमार के, मैं बाण निकाला उसके प्राण निकल गए, उसने कहा मेरे माता पिता सूरदास हैं, मैं पानी ले गया, उन्होंने मेरे पांव की आवाज़ को कहा श्रवण नहीं हो कौन हो, कहा मैं महाराज दशरथ हूँ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, शब्द भेदी बाण से आपके बेटे को शरीर त्यागना पड़ा, मैं आपके लिए जल्द आया हूँ। बोला हम ऋषि तो नहीं है महाराज, हम क्या कहें, हम जी नहीं सकते उस बेटे के बिना, परंतु आज जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, एक दिन आपको भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागना पड़ेगा कौशल्या, आज वो समय आ गया है, लगता है अब मैं प्राण रख नहीं पाऊंगा, राम नहीं आए तो मैं कुछ देखा भी नहीं है और अब मैं जी भी नहीं पाऊंगा। और आधी रात के बाद महाराज दशरथ के प्राण चले गए और सुबह सारे अयोध्या में शोक हो गया, राम दशरथ महाराज के शरीर को औषधियों में संभाल के रखा, वशिष्ठ जी ने तीव्रगामी गोरु के ऊपर संदेश वाहे को बिठा के भरत को बोलो जिस स्थिति में हो उसी अवस्था में तत्काल गुरु जी ने बुलाया है, आप शत्रुघ्न के साथ आ जाओ। अब ये संदेश लेकर के कई देश के लिए रवाना हुआ है और मैं समझता हूँ आज का समय अब विराम की ओर आ रहा है। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम Yeah.
कैसे राम जी को मनाने जाते हैं और यहाँ फिर अयोध्या कांड को विराम देकर तत्काल कल अरण्य कांड से चलते हुए किष्कंधा कांड को पूरा करना है, क्योंकि परसों हमारे को राम जी का राज तिलक करना पड़ेगा। तो संक्षेप में कुछ कथाएं करेंगे, कुछ विस्तार से, कुछ संक्षेप से। तो कल भरत जी के चरित्र को सुनेंगे, आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। आरती होगी, कीर्तन में 5-10 मिनट भाग लीजिए, फिर सबके लिए प्रसाद का प्रबंध है, उसका आनंद लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। आज श्री राम